करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट का भी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, प्रोविजनल लिस्ट के अंदर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, मतलब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस पूरे प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं हो। देखो बड़ी मेहनत से आपका भी सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, और सपोज करो आपके पास छोटी मोटी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाए और पता चले उसकी वजह से आपके सारे मेहनत पर पानी फिर जाए, आपका सिलेक्शन यहाँ पर रुक जाए, तो ऐसी किसी भी प्रकार की गलती आपसे नहीं हो, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा, एक एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, सब कुछ यहाँ पर आपको मैं समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस वीडियो का आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और उनको इंप्लीमेंट जरूर करना ताकि किसी भी प्रकार की गलती के चांस नहीं हो और फाइनली आपका सिलेक्शन हो, आप यहाँ पर स्कूल लेक्चरर बन सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर स्टूडेंट्स को एक्चुअली मिलता क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूं, जब आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर से तो आपको ये वाला कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का। ये जो कोर्स है आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होगा, इस कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट को उसके सिलेक्शन से लेकर उसके फॉर्म भरने से या मैं कहता हूं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसके सिलेक्शन तक जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, चाहे वो डिटेल वीडियो लेक्चर्स हो, 100% सिलेबस हो आपका, चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो, चाहे डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हो, आपको आपके सिलेक्शन के लिए जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगी, स्पेशली केमिस्ट्री की मैं यहाँ पर बात करूं तो। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस कोर्स की वैलिडिटी 1 महीने 2 महीने 4 महीने नहीं है भाई, इस कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा कोर्स आपके पास रहेगा, चाहे आपका एग्जाम ये 6 महीने में हो चाहे 6 साल में हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी टेंशन हमने ले ली। देखो इतना कुछ प्रोवाइड करते हुए भी इस कोर्स की प्राइस हमने बहुत ही कम रखी है, मात्र 4,999 और उसमें भी यदि आप कोर्स ज्वाइन करते समय HGC कोटा कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 2000 का डिस्काउंट और मिल जाएगा, और ये कोर्स आपको मिलेगा मात्र 2999 रुपए में। और इतना ही नहीं है, आप फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर आप फ्री ट्रायल भी ज्वाइन कर सकते हो, देखो इस कोर्स में क्या क्या फीचर है वो सब आप चाहो तो यहाँ पर पढ़कर भी देख सकते हो, फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इसका फ्री डेमो या ट्रायल कोर्स ज्वाइन करके देख सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है, जब आप 100% फुली सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद फुल कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं ताकि हम आपकी एक एक प्रॉब्लम पर यहाँ पर ध्यान दे सके। तो दोस्तों इस कोर्स को आपको जरूर ज्वाइन करना है, आप डेमो क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए हेल्पलाइन नंबर पर आपको जरूर कॉन्टेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात कर रही है, यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है पूरी, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन प्रोसेस बता देते हैं। देखो जब आप आरपीएससी की वेबसाइट पर यहाँ पर जाते हो, आरपीएससी की वेबसाइट आपने खोली होगी सब जानते हो, आरपीएससी की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर देखो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन नाम से यहाँ पर मिलेगा, इसमें आपको एक मिलेगा इंपॉर्टेंट डाउनलोड ऑप्शन, इस ऑप्शन को आपको खोलना है, जैसे आप ये इंपोर्टेंट डाउनलोड्स ऑप्शन को खोलते हो तो यहाँ पर आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर मिलेगा डिटेल्ड एप्लीकेशन कम स्क्रूटनी फॉर्म, ये आपको मिलेगा, अब आपको यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन मिलेगा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन, आप जैसे इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर आप डाउनलोड इसको कर लेना क्लिक करके, और जैसे ये डाउनलोड यहाँ पर होगा डाउनलोड होते ही आपको फॉर्म दिख जाएगा, ये पूरी जो पीडीएफ होगी इसके अंदर आपको दो फॉर्म मिलेगा, देखो एक तो यहाँ पर फॉर्म नंबर फर्स्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा इसी पीडीएफ को जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आप तो इसी के अंदर एक फॉर्म नंबर 2 भी आपको दिखाई देगा, आपको दोनों फॉर्म की प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल लेनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, करना क्या है, इस फॉर्म में जो फॉर्म नंबर 1 है उसके अंदर आपको क्या करना, एक तो आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सचिव है उसके नाम से 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपको बना लेना है, पोस्ट ऑफिस से बन जाएगा, उसको बनाकर आपको यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। इसी तरह से एक आपका बिल्कुल प्रेस पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाना है और उस पर सिग्नेचर करके आपको उसको यहाँ पर चिपका देना है, और साथ के साथ ये जो पूरा फॉर्म है इसके अंदर जो कुछ भी डिटेल यहाँ पर दे रखे वो डिटेल को आप कंप्लीट भर देना है, आपको ध्यान देना 2 कॉपी यहाँ पर तैयार करनी है, ध्यान देना ऐसा नहीं करना 1 कॉपी भरकर दूसरी जेरोक्स नहीं, दोनों को आपको अलग अलग भरना है यहाँ पर,
आपको अपनी हैंड राइटिंग में इसको कंप्लीट भर लेना है। ये जो फॉर्म नंबर टू, इसको किस प्रकार से आप यूज में लोगे, किस प्रकार से भरोगे, चलो उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, देखो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको एक तो देखो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 12वीं की मार्कशीट है, 12वीं का आपका सर्टिफिकेट है, साथ के साथ ग्रेजुएशन में आपको जो BSc या BA है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। साथ के साथ ये जो ग्रेजुएशन है उसके आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, उसके आपको सबका जेरॉक्स यहाँ पर निकला लेना है, ओरिजिनल भी आपको साथ में रखना है। और यहाँ पर बात करें देखो PG पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MA MSc उसमें आपको प्रीवियस और फाइनल ईयर दोनों ईयर के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, साथ के साथ ही आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अब देखो ध्यान देना, अगर आपकी पीजी फिलहाल हुई है तो हो सकता है आपके पास पीजी की डिग्री नहीं हो, तो ऐसे केस में आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती होगी वहां से आपको प्रोविजनल डिग्री निकलवा लेनी है, वो निकला कर आपका काम उससे फिलहाल हो जाएगा। और ओरिजिनल डिग्री आपके पास है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और देखो ध्यान देना BEd यहाँ पर क्या है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर टू होगा, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर टू यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो होगा उसके अंदर यहाँ पर देखो ध्यान देना अनुभव प्रमाण पत्र है, अन्य प्रमाण पत्र का ऑप्शन है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो जहां पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र है उसको काटकर उसकी जगह पर आप यहाँ पर BEd मार्कशीट लिख देना, क्लियर यहां तक। और इसी तरह जहां पर अन्य प्रमाण पत्र लिखा हुआ है उसको काटकर यहाँ पर RACIT या डिप्लोमा आपको वहां पर लिख देना है, ये आप काम कर लेना भाई, ठीक है। तो ये तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपके हो गई। आप यहाँ पर इन सभी के कम से कम तीन सेट आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब देखो ध्यान देना अदर डॉक्यूमेंट की बात करें, इनके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो आपको क्या है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मूल निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, साथ के साथ चरित्र प्रमाण पत्र के 3 सेट आपके पास होना चाहिए। अब इसमें से एक तो रेगुलर एजुकेशन वाला होना चाहिए, कहने का मतलब देखो आपने लास्ट टाइम BEd करी होगी या फिर PG करी होगी, जो भी आपने करी होगी जिस संस्था से आपने BEd या PG करी है लास्ट टाइम, वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र एक बनवा लेना है, क्लियर है। अब दो चरित्र प्रमाण पत्र देखो, एक तो आपने जहां से लास्ट टाइम आपकी एजुकेशन चली है वहां से बनवा लिया, दूसरा आपको दो रजिस्टर्ड ऑफिसर के थ्रू बनवाना है। कैसे बनाना है, आप जरूर की दुकान पे जाना या फिर मित्र की दुकान पे जाना, वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दे देगा, उसको भरना है, रजिस्टर्ड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा लेना है, क्लियर है। अब देखो अगर आप विवाहित या फिर अविवाहित है तो आपको शपथ पत्र बनवाना है। शपथ पत्र कहां से बनेगा भाई, कोई भी नोटरी वाला जो है ना वो आपका शपथ पत्र तैयार कर देगा, उसको आपको डिटेल बता देना है। अगर आपके कोई संतान है तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र तैयार रखना है, मतलब कुल मिलाकर उसकी नीड आपको पड़ेगी, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात है ही नहीं, अविवाहित होगा तो संतान होगी नहीं, जारी से बात है, और विवाहित होंगे तो संतान आपके हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप विवाहित नहीं है तो उस कंडीशन में आपको शपथ पत्र तैयार करना होगा, करवाना होगा कि आप फ्यूचर में जब आपकी शादी होगी तब आप किसी प्रकार का दहेज नहीं लोगे। हालांकि यहाँ पर सबकी मनसा बदल जाती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब लगती है फिर दहेज लेने की भी लालसा बढ़ जाती है ज्यादातर लोगों के, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको किसी प्रकार का दहेज नहीं लेना। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको शपथ पत्र तैयार करना है, भी आपने शादी के टाइम किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। आपके पास आइडेंटिटी या पर पहचान पत्र होना चाहिए, उसकी फॉर्म में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड यहाँ पर हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, इनमें से एक या दो डॉक्यूमेंट तो आपके पास रखना ही है आपको तैयार करके। देखो एप्लीकेशन फॉर्म क्या प्रिंट निकला लेना, देखो जब आपने फॉर्म भरा होगा RPC फर्स्ट ग्रेड का तो समय जब फॉर्म भरा था उसके एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको रखनी है। अगर आपके पास कॉपी पहले से तो आप उसके जेरॉक्स निकला लेना, नहीं हो तो आपकी SSO ID के थ्रू निकल जाएगी, आप वहां से निकाल लेना। और पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास 10 होना चाहिए, हालांकि आपका जो काम है ना वो 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो में यहां पर हो जाएगा, लेकिन आपके पास कम से कम 10 फोटो होना चाहिए कि हो सकता है किसी और जगह पर यहां पर आपके ये काम में आ जाए। तो यहां तक आपके सबको समझ में होगा, चलिए अब यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। देखो अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स के यहाँ पर सॉल्व करने के, आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब देखो आपको करना क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर मैंने बताए, चाहे वो अदर डॉक्यूमेंट का केस हो चाहे फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, सबके आपके पास 2 से 3 सेट होने चाहिए। देखो 2 से 3 सेट का मतलब दो मत लेना, आप मान के चलना आपके पास 3 सेट मिनिमम, 3 क्या मैं तो कहूंगा 4 सेट निकला लेना, जेरोक्स ही तो निकलवानी है, तो आप कम से कम 2-3 सेट आपके पास होनी
जरूरी है। आपको एक मैंने बताया था 50 रुपए का आपका पोस्टल ऑर्डर तैयार करना है, किसके नाम, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सचिव है उसके नाम का आपको बनाना है, और जो फॉर्म नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपको चिपकाना है। और यहाँ पर क्या है कि आप जो आपका फॉर्म नंबर यहाँ पर देखो ध्यान देना क्या लिखा है, विस्तृत आवेदन जो भी आपका जो फॉर्म है फर्स्ट और सेकंड उसके आपको 2 सेट तैयार कर लेना है। यहाँ पर कितने सेट, 2 सेट आपको तैयार कर लेना है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा है, देखो संलग्न सूची यहाँ पर जो भी फॉर्म में जारी क्रमांक और दिनांक सहित भरनी है। देखो कैसे भरनी है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। देखो जो आपका फॉर्म नंबर 2 है ये वाला, ये फॉर्म नंबर 2, इस फॉर्म नंबर 2 में आपको कैसे भरना है, जैसे देखो आपने यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगाई तो 10th की मार्कशीट में आपका रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर भरना है, किस तारीख को आपका रिजल्ट आया था वो भी उसमें मेंशन होगा 10th के मार्कशीट में, वो आपको यहाँ पर भरना है रोल नंबर, साथ में आपके रिजल्ट की जो डेट होगी आपको भरना है। और देखो ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर 1 हो गया तो आपको यहाँ पर 1 भरना है, मतलब इस कॉलम में डॉक्यूमेंट की टोटल संख्या आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 हो गया आपको यहाँ पर 1 भर देना है। अब आपकी वही 10th की जो भी होगी आपके पास वो भी होगी भाई, इसका सर्टिफिकेट भी होगा, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के अंदर जो भी डेट रोल नंबर है वो मेंशन करके उसकी संख्या भर देना है। तो ये यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट टाइम पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट 1 ही हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर भी 1 भरना है और यहाँ पर भी 1 भरना है, क्लियर है भाई, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट 1 ही हो गया। अब यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट के आपको वही डेट और रोल नंबर भर देना है और यहाँ पर उसकी संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 1, 2, 3 आ गया। हो सकता है यहाँ पर 10th में आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट 1 ही हो तो यहाँ पर 1, 1, तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, वो आप क्रमांक देख लेना। सीधा सीधा ये डॉक्यूमेंट की संख्या, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है। बात करें अपन इसी तरह से आपका जो 12वीं है ना, उसका सर्टिफिकेट की संख्या यहाँ पर आ जाएगी, कितने नंबर पर वो आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आपका स्नातक आ जाएगा, मतलब आपका जो भी ग्रेजुएशन होगा। अब स्नातक में आपके पास 3 यहाँ पर मार्कशीट होगी, जैसे 1, 2, 3, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आ गया तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 5, 6, 7, है ना। सपोज करो 10वीं में 1, 1 आया, 12वीं में यहाँ पर 2, 2 आया, क्योंकि हो सकता है मार्कशीट और सर्टिफिकेट 1 ही हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 3, 4, 5 आ जाएगा। 10वीं और 12वीं में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आपको भरना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, जिस क्रम में यहाँ पर आप भरोगे ना उनको, आपको उन सर्टिफिकेट को मार्कशीट को उसी क्रम में सेट कर लेना, उसी क्रम में जमा कर रखना है, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू चेक करेंगे उस दौरान तो आपको उसी क्रम में मिल जाने चाहिए, ताकि वहां पर परेशानी नहीं हो, पता चले कि आपने उलझन कर दी वहां पर, इधर उधर पटक रखे और सब कुछ करो, वहां पर उनके दिमाग में नहीं बैठे, दिमाग खराब हो गया और आपकी फाइल को इधर रख दे, किसी दूसरे कैंडिडेट को बुला दे, है ना। ऐसा आपको नहीं करना, वहां पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, देखो स्नातक की जो डिग्री होगी वो आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अपन बाकी की भी बात कर सकते हैं, जैसे एमएससी पीजी की है ना, तो उसके डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर उसकी डिग्री हो जाएगी एमएससी वगैरह की, और यहाँ पर जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीएड का आ जाएगा यहाँ पर, वही डेट रोल नंबर वगैरह, और यहाँ पर RSC IT की भी डिटेल आ जाएगी। आई थिंक ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको इस डिटेल को कैसे यूज में लेना है। अब चले यहाँ पर अपन आगे चलते हैं भाई, ठीक है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट का तरीका दिया आपको, दिनांक सहित कैसे भरना है, क्रमांक दिनांक सहित, और संलग्न सूची यहाँ पर फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट है वो संख्या सहित आपको भरना है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और इसी तरह से जितने भी आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपके पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका दहेज का हो, विवाहित का हो, अविवाहित का हो, सारे आपको वहां पर तैयार कर लेना है, उन सबकी जेरोक्स और साथ के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रख लेना है। देखो ध्यान देना, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या है कि ऐसा नहीं करना कि जब आपके अनाउंसमेंट होगा, आपका काउंसिलिंग का टाइम आएगा तब आपको तैयार करना है। ये पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट आप पहले से ही बना के रख लेना है। और यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपको एनओसी ले लेनी है वहां से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जहां पर आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि ये भी आपको काउंसलिंग के टाइम ही इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो उम्मीद है ये सारा वीडियो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सारे डॉक्यूमेंट जो जो मैंने यहाँ पर बताया उनको आपको अच्छी तरह से यहाँ पर जमा लेना है और रेडी ले करके आपको साथ के साथ जाना है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं ताकि हम आपके सारे डाउट को यहाँ पर सॉल्व कर सके। और ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ऑनलाइन कोर्स है इसका फ्री डेमो ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्री डेमो ले सकते हैं और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं ताकि हम आपके पूरे पूरे डाउट्स को सॉल्व। थैंक यू।